रुक जाइए, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा हुक्म है, शाहजहां मुगले सल्तनत का हुक्म। ये कारवा यहाँ क्यों रुक गया? अमीरजान हम देखते। हुजूर, हुक्म हुआ है कि। क्या सुना नहीं आपने? ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा हुक्म है। शहजादे हुजूर, शहंशाह के हुक्म की मुखालफत नहीं की जा सकती। हुक्म चाहे जिस किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें उसका। अनारकली, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। दुनिया के जहर भरे ताने सुनने से अच्छा होगा हम जहर खा ले। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। हाँ शहजादे, हम नहीं जाते। हमारी वजह से चौथा बेगम को शर्मिंदगी सहनी पड़े कि हमारी सहेली मान भाई को हमारी वजह से धोखा खाना पड़े कि तारिक कहे एक कनीज की वजह से एक शहजादे ने शहंशाह से बगावत की। सबकी परवाह आप कौन आ करी? सबकी परवाह सिवाय हमारे। क्या आपको हमारे टूटे दिल की परवाह नहीं है? बेशक है, मगर हमें जाना होगा शहजादे। आपको हमारी कसम, आपने अगर हमारे पीछे आने की कोशिश की कि हमें रोकने की कोशिश की तो हम अपनी जान दे देंगे, मगर हम अपनी मोहब्बत पर तोहमत नहीं लगने देंगे। अनारकली, क्या 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 कोई रास्ता नहीं है क्या हमारे पास? शहंशाह, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम राजा भगवान दाची से माफी चाहते हैं कि वो दो दिन से यहाँ पर हैं और हम उनसे मिल नहीं पाए। हमें खबर मिली है कि हमारा निकाह मान भाई से तय कर दिया गया है और तारीख भी तय हो गई है। इस मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपके फैसले से इत्तेफाक रखते हैं। सलीम इस निकाह के लिए कैसे हाँ कर सकते हैं? वो तो इस निकाह के खिलाफ थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? होशियार, सलीम अनारकली से मिलने गए थे ना? आपकी आंखों के सामने ही तो निकले थे मुरुकैया बेगम। हाँ, वो हमारी आंखों के सामने ही तो निकले थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने मान भाई से रिश्ता जोड़ने के लिए हाँ कैसे कर दी? हमने सोचा था कि जश्न में हंगामा होगा, तमाशा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। होशियार, जाओ और पता करो कि अनारकली आगरा में है कि नहीं, और अगर है तो क्या सलीम उनसे मिले थे कि नहीं। जाओ जल्दी। जी जी, रुकिए। कोई बात नहीं रुकैया, तुम्हारी एक चाल नाकाम हुई तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तो बहुत सी बाजियां हैं खेलने के लिए। हम जानते हैं तुमने और हमारे बेटे ने सल्तनत की भलाई के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अपने प्रेम से दूर जाना आसान नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है। हमें तुम पर गर्व है बेटा।